नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही थी तद्भव और तत्सम की, और 60 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे 60 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आज हम लोग हिंदी देखेंगे, हिंदी का तद्भव तत्सम की आगे की टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि बस आप लोग लाइक और शेयर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुँचा सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अकाज। अकाज जो है अकार्य का तद्भव शब्द है, तद्भव रूप है। 62वां नंबर क्वेश्चन, टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, टंकशाला होती है, ठीक है, टंकशाला। 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? आपको बताना है, चार ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। आरओ ए आरओ स्पेशल प्री 2010 में पूछा गया है, तत्सम रूप को आपको बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, पाद। पाद एक तत्सम रूप है। चलिए आगे देखते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन, गोबर का तत्सम रूप क्या है? गोबर का तत्सम रूप क्या है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 64 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, गोमय। गोबर का तत्सम रूप गोमय होता है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, माँ का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मातृका, ऑप्शन सी माताश्री, ऑप्शन डी मातुश्री। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए मात्र होता है, माँ का तत्सम रूप मात्र होता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों के युग्म में से आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत सुमेलित है, ठीक है, गलत मिला हुआ है, तत्सम और तद्भव का है दोनों, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए स्पेशल आरओ आरओ एग्जाम मेंस 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंट का ऊंट नहीं होता है, मतलब ऊंट जो तत्सम है ये आपका ऊंट का तत्सम रूप नहीं होता है, ठीक है। बाकी देखिए, घृत का घी होता है, त्वरित का तुरंत तुरंत होता है, और तिक्त का तीता होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण आपको बताना है, आपको बताना है कौन सा गलत युग्म है तत्सम और तद्भव का। तो देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 67 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यकपट्टी नहीं होता है, ठीक है, ये गलत सुमेलित है। अब जो सही सुमेलित है उस पर ध्यान दीजिए, गोमय का गोबर होता है, क्षीर खीर होता है, और सपत्नी का सौत होता है, ठीक है, जैसे पहले तत्सम है फिर बाद में तद्भव है। अगला देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, पर्ण का तद्भव रूप क्या है? पर्ण का तद्भव रूप क्या है? दो इधर दिए हैं, दो नीचे साइड में दिए हैं। पर्ण का तद्भव रूप, पत्र, पर्ण, पत्ता, पन्ना, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन, अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? अंगीठी का तत्सम रूप क्या होता है? अब ये कई क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं दोस्तों, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन भी होता रहेगा इससे, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्निष्टिका, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या होता है? जो मूल संस्कृत से विकृत होकर, अलग होकर जो वर्ड निकले हैं उनको हम लोग तत्भव शब्द कहते हैं, और जो लोग जो शब्द मूल रूप से आते हैं संस्कृत के, जो वैसे कहे वैसे रखे जाते हैं, उनको तत्सम बोलते हैं, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरज। सूरज एक तत्भव शब्द है, बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये तत्सम है।
ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से तत्भव शब्द को पहचानना है आपको, तत्भव शब्द को पहचानना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेशल मेंस 2010 में आरओएआरओ में आया था ये क्वेश्चन, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, बंदर। बंदर एक तत्भव शब्द है। 72 नंबर क्वेश्चन, खाट का तत्सम रूप क्या है, खाट का तत्सम रूप क्या है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए खटुआ, खटुआ आपका खाट का तत्सम रूप है। चलिए अगला देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम रूप क्या है, दाहिना का तत्सम रूप क्या है, 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण। 74 नंबर क्वेश्चन, सुई का तत्सम रूप क्या होता है, सुई का तत्सम रूप आपको बताना है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 74 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सूची होता है, ठीक है सूची। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है। तीन आपके तत्सम होंगे, एक तत्सम नहीं है, उसको आपको छांटना है। 75 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, आकाश। आकाश एक तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन, धरित्री, धरित्री, धरित्री का तत्भव रूप क्या है, धरित्री का तत्भव रूप क्या है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 76 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, धरती होता है, धरित्री का आपका तद्भव रूप धरती होता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, 77, लवण का तद्भव रूप क्या होगा, लवण का तद्भव रूप क्या होगा, देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लवण का तद्भव रूप ऑप्शन ए लूण होता है, लूण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन ए है 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही नहीं बताया उसको क्या बोलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम कहते हैं, ठीक है। सत्सई तत्सम है, सत्सई तत्सम है किसका, सत्सई तत्सम रूप किसका है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, उन शब्दों में से आपको छांटना है, छाटिए। 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 79 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सप्तशती का तत्सम रूप सत्सई है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है, पहला ए ऑप्शन है सपाद, दूसरा है शाग, शाग नहीं साग है, ठीक है, और तीसरा आपका है शब्द, और चौथा है श्राद्ध। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो इधर में है साग, साग एक तत्भव शब्द है, ठीक है ऑप्शन बी। 81 नंबर क्वेश्चन, सौत का तत्सम रूप क्या है, सौत का तत्सम रूप क्या है, 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, सपत्नी, सपत्नी सौत का तत्सम रूप होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, तत्सम शब्द का चयन करना है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, शीतल, शीतल एक तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन, श्मश्रु, श्मश्रु का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, 83 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मूछ होगा, मूछ, ठीक है ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन, भभूत का तत्सम रूप क्या होगा, भभूत
का तत्सम शब्द क्या है? ये यूपी पीसीएस प्री सीसाइड के पेपर में 2017 के पेपर में आया था। भभूत शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 84 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए विभूति। विभूति तत्सम शब्द है भभूत का, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से आपको तत्भव शब्द को पहचानना है, तत्भव, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री सीसेट 2017 में आया है ये, तद्भव शब्द को पहचानना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 85 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी पिटारा, तद्भव शब्द पिटारा है। 86 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित शब्दों में से आपको तत्सम नहीं है ये छांटना है, तत्सम नहीं है ये सीसेट 2016 के यूपी पीसीएस प्री अपर पीसीएस प्री में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन तत्सम नहीं है आपको छांटना है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी हाथ, हाथ एक तत्सम शब्द नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, आपको बताना है कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कर्म मृग, मत्स्य मृग और दधि भात ज्ञान क्षेत्र, अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 87 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी दधि और भात, ये तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ठीक है। बाकी ज्ञान क्षेत्र ये आपके तत्सम है, मत्स्य मृग ये भी हैं, कर्म विद्या ये भी सुमेलित हैं, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, कर्पट का तद्भव रूप क्या होगा, कर्पट का तद्भव रूप क्या होगा। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 88 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी कपड़ा होगा, कर्पट का कपड़ा होगा, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक तद्भव नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए तस्कर, तस्कर एक तद्भव शब्द नहीं है, मतलब तत्सम है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री सीसेट 2014 के एग्जाम में पूछा गया था ये सेकंड पेपर में। 90 नंबर क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत होकर हिंदी में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी तद्भव कहलाते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत होकर हिंदी में आते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मयूर शब्द का तद्भव रूप बताइए, मयूर शब्द का तद्भव रूप क्या है, तद्भव बताना है आपको, ठीक है, तद्भव आपको बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी मोर होता है, मयूर शब्द का तद्भव रूप मोर होता है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। 92 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सप्तसती एक तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विस्मय, विस्मय एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ये रेवेन्यू आरआई के एग्जाम में आया था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 में। चलिए आगे देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको तत्सम वर्ड छांटना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 94 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए मुमुच्छू, मुमुच्छू एक तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन, गधा का तत्सम रूप क्या होता है, गधा का तत्सम रूप क्या होता है।
95 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी गर्दभ होता है, ऑप्शन डी गर्दभ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? प्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पिया होता है, प्रिय शब्द का तद्भव रूप पिया होता है। चलिए आगे देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है मतलब। ठीक है, तो आपको तद्भव छांटना है। 97 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी नेह, नेह एक तत्सम शब्द नहीं है। ये भी आरआई एग्जाम 2014 के एग्जाम में आया था। 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा शब्द तद्भव है आपको छांटना है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, तद्भव शब्द को छांटिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पंख, पंख एक तद्भव शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन करना है आपको, ये भी आरआई एग्जाम 2014 के एग्जाम में आया था। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 99 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी निडर, निडर एक तद्भव शब्द है। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा आपको बताना है, तद्भव रूप। आरआई इंस्पेक्टर रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम 2014 के एग्जाम में आया था ये। 100 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी पंख, पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। ठीक है, पंख। चलिए ठीक है दोस्तों, ये तद्भव तत्सम की हम लोगों की 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई, और ऐसे ही छोटे छोटे करके हम लोग एक एक टॉपिक समाप्त करते चलेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।